पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आर्टिकल 370 को धराशायी कर अखंड भारत के सपने को साकार करने वाले आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हम लोग के बीच आ रहे हैं। जय घोष के साथ उनका स्वागत हो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कटिहार वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? दुलाल चंद गोस्वामी को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी कटिहार वालों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में दुलाल चंद जी को जिताने की सभा में मेरे साथ उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्रीमान नीतीश बाबू, बिहार के मंत्री श्रीमान विजय चौधरी जी, राज्यसभा के सदस्य संजय झा जी, बहन लेसी सिंह जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री तार किशोर प्रसाद जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री संजय सरावगी जी, बहन निशा सिंह जी, बहन कविता देवी जी, श्री विजय सिंह जी, महापौर उषा देवी जी, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रश्मि सिंह, पूर्व सांसद निखिल चौधरी, पूर्व विधान पार्षद राजवंश सिंह जी, और आज कटिहार की सभा में इतनी चिल चिलाती धूप में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, सबसे पहले त्रिमुहानी संगम की इस पवित्र भूमि कटिहार को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माता शीतला की पवित्र भूमि, कल्याणी झील की देवीय धरा, बाबा गोरखनाथ का मंदिर और मां बड़ी दुर्गा के मंदिर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप सभी को मालूम है कि आने वाले दिनों में देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। देश की जनता ने ये तय करना है कि अगले 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं जहां जहां गया, आज बंगाल से आया, पूरे देश में घूमकर आया हूं, जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। भाइयों और बहनों, कटिहार वालों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ना? जोर से बोलिए, चाहते हैं ना? तो हमारे भाई गोस्वामी जी के निशान तीर पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया है,
मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टिकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतने सालों से एक कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, मगर गरीबी नहीं हटती थी। एक दस ही साल में मोदी जी ने 80 करोड़ से ज्यादा देश की जनता को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम किया और 14 करोड़ से ज्यादा गरीबों को नरेंद्र मोदी जी ने नल से जल देने का काम किया है। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। भाई और बहनों, आज लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है? भाई याद है ना, बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे। मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया, काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। भाई और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला ओबीसी प्रधानमंत्री, पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री, अति पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाई और बहनों, एक गरीब चाय बेचने वाले के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में 35% पिछड़ा अति पिछड़ा सांसदों को मंत्री बनाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का काम किया। 16 नई जातियों को ओबीसी में जोड़ने का काम किया और ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस, एमडी और इंजीनियरिंग के दाखिलों में पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिलों में भी नरेंद्र मोदी जी ने रिजर्वेशन लिया। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर है जो हमारा है या नहीं है?
जरा जोर से बोलो बिहार वालों है या नहीं है। ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और बिहार का कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे साहब आपको मालूम नहीं है बिहार का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाई और बहनों, ये धारा 370 को लालू और कांग्रेस पार्टी 70 साल से बचाकर बैठी थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा। मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त किया, आतंकवाद पर नकेल कसी। एक कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी घुसताते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला किया। उरी और पुलवामा के हमले के बाद दस ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षा देने का काम किया है। और ये जो इंडी गठबंधन है वो फिर से बिहार को लाल टेन युग में ले जाना चाहते हैं। नीतीश बाबू ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है, घर-घर में बिजली पहुंचाई है, वो लालटेन युग में फिर से ले जाना चाहते हैं और फिर से ओबीसी पर वो अत्याचार करना चाहते हैं। भाई और बहनों, मोदी जी के शासन में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुली है। 10 साल तक लगातार हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। 55 पेटेंट हर दिन रजिस्टर हुए हैं और गरीबों को हर रोज 1.5 लाख मुद्रा का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने न केवल देश को विकसित किया, मोदी जी ने बिहार को भी विकसित किया। मैं आज पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और लालू जी को, 10 साल तक आपकी सरकार थी, बिहार को क्या दिया 10 साल? 10 साल में बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपया दिया। अब 10 साल आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2,80,000 करोड़ कांग्रेस ने दिया था, मोदी जी ने 2,80,000 करोड़ बनाम 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया है। इसके अलावे 4,00,000 करोड़ रुपया सड़क और पुल के लिए, 1,00,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए, 2,000 करोड़ एयरपोर्ट के उत्थान के लिए मोदी जी ने देने का काम किया है। और कटिहार में भी ढेर सारे काम हुए हैं। 2,500 करोड़ से 50 किलोमीटर लंबे नारायणपुर पूर्णिया सड़क का निर्माण, 2 बड़े पुल, 2 फ्लाईओवर और 1 बाईपास इसमें शामिल है। 2,000 करोड़ से 22 किलोमीटर लंबे 4 लेन साहिबगंज मनियारी गगन पुल का निर्माण, नमामि गंगे योजना से 12 करोड़ रुपए से कटिहार जिले में मनियारी में रिवर फ्रंट का निर्माण, कटिहार स्टेशन ओवरब्रिज, 82,000 गरीबों को आवास, 2,000 शहरी गरीबों को आवास, 1,81,000 लोगों को 5,00,000 तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा
फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान भारत योजना में दिया, 4,50,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 2,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी निर्माण हुआ और सदर जिला अस्पताल का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। कटिहार वालों, लालू जी की लालटेन और पंजे के साथ जाएंगे तो दंगे मिलेंगे, अत्याचार मिलेगा, अन्याय मिलेगा, गरीबी और भूखमरी मिलेगी। एनडीए के साथ आएंगे, कमल के निशान और तीर के निशान के साथ आएंगे तो मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन सरकार हमारे बिहार को आगे बढ़ाएगी, खुशहाली लाएगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की सभी 40 सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे भाई दुलाल चंद गोस्वामी को प्रचंड बहुमत से जिताइए और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। मुझे बताओ कटिहार वालों, दुलाल चंद जी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे? तीर के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदरणीय दुलाल जी और कटिहार लोकसभा के अंतर्गत पड़ने वाले सभी विधायक और विधान पार्षद से आग्रह करते हैं, गुलाब की माला लाकर के विधायकों के हाथ में दें और आदरणीय अमित जी और आदरणीय नीतीश जी का स्वागत करें। जल्दी वीरेंद्र यादव जी, बस एक मिनट, एक मिनट के, दुलाल जी और नीतीश जी को भी साथ रखें। आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी, अमित जी, विधायक लोग और विधान पार्षद, एक बार तालियों के साथ स्वागत। जितने व्यवस्थित तरीके से मंच पर आप लोग रहे हैं, हम सिर्फ आग्रह करेंगे, अपने कुछ विधान पार्षद विधायक हैं, आदरणीय अमित जी को कुछ अंगवस्त्र देना चाहते हैं, अंगवस्त्र देकर के केवल स्वागत करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816 700। धन्यवाद।